जय हिंद कैडेट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एनसीसी की खाकी यूनिफॉर्म को सेट करते और पहनते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एनसीसी खाकी यूनिफॉर्म के ऊपर सेरेमोनियल्स पहने जाते हैं। सो कैडेट्स, ये हमारे एनसीसी के सेरेमोनियल्स हैं। इसे स्कार्फ कहते हैं, इसे सैश कहते हैं, ये कमर पट्टा है, और ये जो है ये इस पर लटने वाली झालर मैंने अलग से रखी हुई है, ये ग्लव्स हैं और ये एंकलेट्स हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये सारे सेरेमोनियल्स को एनसीसी यूनिफॉर्म के ऊपर पहनते हैं। सो कैडेट्स, अभी मैंने आपको ये सारे सेरेमोनियल्स के पार्ट्स दिखाए और उनके नाम बताए। अब इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक एक स्टेप करके बताऊंगा कैसे पहनते हैं, और लास्ट में आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा कि कैसा जो है आपका ये पूरा सेरेमोनियल ड्रेस दिखता है, और फिर एक और फोटो दिखाऊंगा कि सेरेमोनियल स्वेटर के ऊपर कैसे पहने जाते हैं। वो सेम प्रोसीजर सेम होता है, बस स्वेटर के ऊपर जैसे बेल्ट लगाते कमर पट्टे, सेम वही चीज़ होती है। आपको मैं उसकी फ़ोटो दिखा दूंगा। सो कैडेट्स, ये हमारे एंकलेट्स हैं। जैसे ये लेफ्ट लेग का है, ये मेरा लेफ्ट लेग है और ये राइट लेग है। तो सबसे पहले करना क्या है, इसका वेलक्रो खोलना है, और फिर जो आपका ये नीचे इलास्टिक दिख रहा है आपको, ये शूज़ के नीचे जाएगा आपके। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये इलास्टिक शूज के नीचे पूरा जा चुका है। फिर जो ये फिर इसके अंदर ये स्ट्राइप है, मतलब ये है आपके नॉट है, इस नॉट को बांधना है। ये नॉट आपने बांध दिया, अब यहाँ पे जो वेलक्रो है इसे चिपका देंगे। मेक श्योर कि पूरा वेलक्रो जो है वो ऐसे अच्छे से चिपक जाए। क्या आपको अपनी पैंट एडजस्ट करनी है कुछ, थोड़ा ऐसे करिए, ये आपका एंकलेट आ गया। तो ये आपने एंकलेट बिल्कुल ऐसे पहन लिया, ठीक है। अब सिमिलरली हम राइट लेग पर करेंगे, राइट लेग का जो एंकलेट है वो लेंगे और उसे पहनेंगे। ये थोड़ी सी पैंट अपनी इसके एंकलेट के अंदर से बाहर निकाल के इसके ऊपर ऐसे रख देंगे क्योंकि आपका ऐसे ना दिखे, ठीक है। तो ऐसे आप एंकलेट्स पहनते, अब अपने एंकलेट्स ऐसे पहनेंगे, और अब हम चलते हैं कमर पट्टे की तरफ। सो कैडेट्स, जो कमर पट्टा है ना उसको सेट करना पड़ता है, जो ये आपको पूरा पीस है ये, इसको सेट करना पड़ता है। इसके लिए करना क्या है, इसके साथ आपको वेलक्रो मिलता है इसको चिपकाने के लिए, जैसे ये यहाँ पे सॉफ्ट इसकी सॉफ्ट साइड है। और जैसे मेरी कमर पट्टे में मुझे कुछ इशू हुआ था तो मैंने अपने पुराने कमर पट्टे को जो है उसका पीस निकाल के उसके ऊपर लगा दिया था। करना क्या है ना, अब आप जब इसको वेलक्रो को उस साइज़ में कुछ लगाएंगे जिससे आपकी वेस्ट के अराउंड सेट हो रहा है। जैसे मेरा ये कुछ जितने में मैंने वेलक्रो लगाया है उतने में मेरी कमर पर फिट आता है मुझे पूरा। अब करना क्या है, जो उसकी झालर है वो लेनी है। अब एक चीज़ आपको नोट करनी है, जैसे ये इधर जो झालर है इसमें कलर सीरीज है, ये डार्क ब्लू रेड गोल्डन, इसमें भी सीरीज आपकी डार्क ब्लू रेड गोल्डन। तो करना क्या है ना, आपको पहले चेक करना है कि आपकी सीरीज जो है ये कहाँ बैठ रही है। जैसे ये डार्क ब्लू रेड गोल्डन, डार्क ब्लू रेड गोल्डन, तो इसको इसी के तरीके से सेम तरीके से अंदर डालेंगे इसके, जैसे ये इसके अंदर लगा दिया मैंने ऐसे। इससे होगा क्या ना, आपका जो ये सीरीज है सेम बनेगी। जैसे कभी यहाँ पे ये लगा दिया तो ये जैसे ये देखिए रेड डार्क रेड हो गया, फिर ये गोल्डन हो गया, फिर लाइट ब्लू हो गया, डार्क ब्लू हो गया, तो ऐसे सीरीज बन जाती है और यूनिफॉर्म रहता है। जैसे आपको अगर मैं कहीं लगा के इसे दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया तो अब कोई मेरे से सीरीज पूछेगा ना इसकी, तो सीरीज ये कमर इसके झालर के ऊपर डार्क ब्लू रेड गोल्डन, फिर ये लाइट ब्लू, फिर ये डार्क ब्लू रेड और गोल्डन, तो ये सीरीज सही बैठ रही है। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कमर पट्टा उल्टा पहनते हैं। जैसे ऐसे एग्जांपल दे देता हूँ, उनका फिर जो होता है ना कलर ऑल्टरनेट हो जाते हैं। जैसे ये गोल्डन गोल्डन के ऊपर रखा ना मैंने, तो यहाँ इसमें लाइट ब्लू आ रहा है, उधर रेड आ रहा है, यहाँ पर रेड आ रहा है, यहाँ लाइट ब्लू आ रहा है, तो ये गलती कई बच्चे कर देते हैं।
इसलिए मैंने आपको बता दिया ये पॉइंट है, और फिर इसको बस ऐसी ये रेडी है, फिर इसको हम पहनेंगे। सो कैरेट्स, अब हम देखेंगे कि कमर पट्टा कैसे बनते हैं। कमर पट्टा पहनने के लिए पहले अपने एनसीसी बेल्ट को उतार देते हैं, क्योंकि कमर पट्टा जो है इसके ऊपर पहनते हैं और बेल्ट बाद में पहनते हैं। आप अपना कमर पट्टा उठाएंगे, इसको अपनी वेस्ट के अलोंग ऐसे लगा देंगे, फिर जो वेलक्रो है उसे चिपका देंगे बिल्कुल सही पोजीशन पे, और ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि जो कमर पट्टे के हिस्से वो बाहर ना देखें। तो उसके बाद जो आपकी ये वेल्ट झालर है उसको ऊपर लाएंगे। वेलक्रो का ध्यान दीजिएगा, वेलक्रो निकल भी जाता है कई बार, इसके ऊपर ले आएंगे। ठीक है, इसको गुड एनफ ले आएंगे, हर किसी के साइज़ के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जब आप ले आए उसके बाद आप अपने एनसीसी की बेल्ट उठाएंगे, उसके इसको इसके अंदर से लेफ्ट वाले हिस्से को इसके अंदर से निकालेंगे और राइट वाले के ऐसे ला के पहन देंगे। जैसे ये सिलवट आएंगे उनको आपको ऐसे खींच तान के एडजस्ट करना है। ठीक है, और ये जो है आपका ऐसे पहनेंगे, ये सेंटर में आपका ये जो झालर है ये आपके लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट पैर की तरफ, और जो आपकी कमर पट्टा है ऐसे होगा बिल्कुल एडजस्टेड। सिलवटे आपको चेक करनी है, आपको देखना है कि आपका कमर पट्टा इस बेल्ट इतनी टाइट ना हो कि कमर पट्टा ऐसे करके पलट रहा है। ठीक है, ऐसे करके पूरी कमर पट्टा रहना। आपको ये भी ध्यान देना है जो आपकी शर्ट है वो अंदर है और जो पीछे से पैंट है वो बाहर ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से कमर पट्टा पहनते हैं। अब हम देखते हैं कि स्कार्फ और ग्लव्स पहनेंगे। सो कैरेट्स, अब हम देखेंगे स्कार्फ कैसे पहनते हैं। स्कार्फ पहनने के लिए पहले अपना एक अपर बटन खोल देना, इससे आसानी मिलेगी थोड़ी। फिर इसके बाद जो स्कार्फ है इसको इसके आगे से ऐसे फोल्ड करेंगे, ये जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको ये। इसके बाद इसे अपने गर्दन पर पहनेंगे। ठीक है कैरेट्स, उसके बाद इसको अपने शर्ट के अंदर टक इन कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल एडजस्ट कर लीजिए सर अच्छे से। फिर उसके बाद अपने शर्ट का अपर बटन बंद कर लेंगे, मेक श्योर ये अच्छे से टाइट हो। आपके कॉलर के इधर से आपका स्कार्फ ज़्यादा ना दिखे, ठीक है, स्कार्फ इधर से ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। और स्कार्फ आपका ऐसे हो गया, एनसीसी का स्कार्फ रेडी। सो कैडेट, अब ग्लव्स पहनने में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, ग्लव्स तो सिंपल जैसे आप लोग पहनते हैं वैसे पहनेंगे, जैसे मैं अभी आपको पहन के दिखाता हूँ। आपके थंब से जो है आपका ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा हैंड का है। जैसे कि ये ऐसे आपने ग्लव्स सही तरीके से पहन लिए, ग्लव्स ऐसे पहनते हैं। सो कैरेट्स, अब हम देखेंगे सैश कैसे पहनते हैं। सैश पहनने के सबसे पहले आप अपनी बेल्ट रिमूव कर देंगे और ये इसको जो है इसको खोल देंगे। तो अपना सैश लेंगे, सैश लेने के बाद आप इसको अपने यहाँ से ऐसे पहनेंगे जैसे मैं पहन रहा हूँ। मेक श्योर ये आगे से और पीछे से दोनों तरफ से सीधा हो, कहीं पे कोई फोल्ड ना हो। बस इसको बिल्कुल अपने क्रीज के ऊपर, फिर करना क्या है आपको, पहले ये फ्लैप जो है बंद कर लेना वापस, इसे बंद हो गया। फिर करना क्या है आपको, अपनी नेम प्लेट खोल दिए। ठीक है, फिर नेम प्लेट की निडल ऐसे निकाल के रखनी है और उसके ऊपर से आधा सैश ले जाना है, इतना सा काफ़ी है। सैश ऊपर से ऐसे पहनते हैं, और बेल्ट जब पहनेंगे तो बेल्ट लेंगे और ये जो पीछे आपके ये सैश का ये हिस्सा है इसके ऊपर से ऐसे बेल्ट को ले जाएंगे, बेल्ट को आगे लाके जैसे पहनते हैं वैसे पहन लेंगे ये। इसके साथ तो ऐसे ही आपकी जो सैश यूनिफॉर्म है, मतलब जो सैश पहना जाता है यूनिफॉर्म के ऊपर ऐसे पहना जाता है, और बाकी की ड्रेस पूरी सेम रहती है। सो कैडेट्स, मैंने आपको दिखा दिया कि सेरेमोनियल्स जो हैं वो कैसे एनसीसी की यूनिफॉर्म के ऊपर पहनते हैं, और अब ये सब जानने के बाद कि सेरेमोनियल्स कैसे पहनते हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे सारे जो ऑल ओवर इंडिया कैडेट्स हैं वो एनसीसी यूनिफॉर्म को सही तरीके से पहनेंगे और हमारी यूनिफॉर्म्स जो हैं वो हमें गर्व महसूस कराएंगे और हम बहुत अच्छे उनमें दिखेंगे और लोग हमसे प्रभावित होंगे। आज की वीडियो में बस यही था,
अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।